किसी देश का इतिहास अतीत की घटनाओं का संग्रह मात्र नहीं होता, वर्तमान का नीति निर्धारक भी होता है और भविष्य की दिशा दशा तय करने वाला भी होता है। किसी राष्ट्र का सम्मान, गौरव, आत्मनिर्णय का अधिकार भी इतिहास के साथ ही तय हो जाता है। किसी भी राष्ट्र के मौजूदा स्वरूप का विश्लेषण उसकी ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम के आधार पर सटीक तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उस इतिहास लेखन में ही गड़बड़ झाला होता रहा और इस गड़बड़ झाले को समझने के लिए अतीत में औपनिवेशिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है। भारतीय इतिहास लेखन का वामपंथी झोल, विचारधारा से कलंकित अतीत की तस्वीर, इतिहासकारों की मक्कारी पड़ी भारी। प्राचीन काल की सोने की चिड़िया रहे हिंदुस्तान को अपनी संपन्नता, समृद्धि, संवेदना और मानवता की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। साधन संपन्न, शक्ति संपन्न रहते हुए भी, बड़े भूभाग पर आधिपत्य रहते हुए भी हिंदुस्तान के प्रतापी राजाओं ने सभ्यता, संस्कृति और मानवता के आग्रहों के वशीभूत होकर कभी दूसरे के क्षेत्र पर कुदृष्टि नहीं डाली। पर बाहर के आक्रांताओं ने साम्राज्यवादी और खूंखार सोच की वजह से भारत पर हमला करने, यहाँ की अकूत संपदा की लूटपाट करने में कभी कोताही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की पतित पावन धरती पर 8वीं शताब्दी से ही बाहरी आक्रांताओं के हमले शुरू हो गए। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आते आते बाहरी आक्रांताओं ने प्रकृति के अनमोल खजाने से भरी इस धरती पर शासन करना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी आते आते यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने भी भारत को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अंग्रेजों ने भारत के तमाम हिस्सों पर शासन करना शुरू कर दिया। पर इस देश का अतीत अलौकिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से इतना ज्यादा आवेशित था कि इतने क्रूर हमलों और विदेशी साजिश के बाद भी यहाँ की सर्वे भवंतु सुखना की कालातीत संस्कृति अक्षुण बनी रही। इसी दौर में अपने उपनिवेश के विस्तार में लगे अंग्रेजों को एहसास होने लगा कि हिंदुस्तान की अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी साम्राज्यवादी मुहिम की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। बस इसी के बाद इस ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने का खेल शुरू हो गया। अंग्रेजों ने महसूस किया कि इस देश के लोगों की असली शक्ति का स्रोत इनके अद्भुत अलौकिक कालजयी ग्रंथों में समाहित है। फिर क्या था, उन्होंने उन ग्रंथों की ऐसी उल जुलूल व्याख्या शुरू की जिससे यहाँ की सदियों पुरानी सांस्कृतिक एकता नष्ट हो जाए। वैदिक ऋचाओं, पौराणिक आख्यानों, उपनिषदों के श्लोकों के अर्थ का अनर्थ कर अंग्रेजों ने आदिकाल से ही सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधे हिंदुस्तानियों के मन में जाति वर्ग और ऊंच नीच का विष बीज बोना शुरू कर दिया। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले हमको ऋग्वेद के अंतिम चरण में मिलता है, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मणों अस्य मुखा मासी बाहु राजन्यः कृतः, इस प्रकार से चारों वर्णों की बात की गई है। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ कि सारे जनों को चार वर्णों में कर्म के आधार पर बांट दिया गया, विवृणोत, कर्म चुनने के आधार पर। अंग्रेज करीब 150 साल तक हिंदुस्तान के सीने को रौंदते रहे, यहाँ की अकूत संपदा को लूटते रहे और इस काम में कोई बाधा नहीं आए इसके लिए यहाँ के मूल निवासियों के मन में एक दूसरे के प्रति विष भरते रहे। साल 1947 में जब हिंदुस्तान के क्षितिज पर स्वतंत्रता का सूर्य उदित हुआ तो ऐसा लगा कि एक बार फिर ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन आजादी के सूर्य की रोशनी के बीच अंधेरा कायम रहे का विचार रखने वालों ने अंग्रेजों के बोए विषवेल को पूरी ताकत के साथ खाद पानी देना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के लोगों को जाति, वर्ग और ऊंच नीच के नाम पर बांटने की जो मुहिम अंग्रेजों ने शुरू की थी, वामपंथी इतिहासकारों ने उसे और खतरनाक तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि औपनिवेशिक काल की जातिगत नफरत की जड़ें आजादी के बाद और गहरी होने लगी। अंग्रेजों ने वेदों की गलत व्याख्या अपनी औपनिवेशिक सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए की थी,
वामपंथी इतिहासकार इस दिशा में अंग्रेजों से भी चार कदम आगे निकल गए। इन विचारधाराई इतिहासकारों के निशाने पर छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के छात्र खास तौर पर रहे। बच्चों के कोमल मन की पिच पर वामपंथियों ने अपनी देश विरोधी विचारधारा का खुला खेल फरूखाबादी खेला। एनसीईआरटी की छठी क्लास की किताब हमारे अतीत पार्ट 1 के पेज नंबर 55 पर अनुपम अलौकिक वेदों के बारे में क्या लिखा है उस पर गौर कीजिए। इन वेदों की रचना ब्राह्मणों ने की। इसमें बताया गया कि धार्मिक क्रियाओं को कैसे करना है। ब्राह्मणों ने समाज को चार हिस्सों में बांट दिया जिसे वर्ण कहा गया। उनके मुताबिक हर वर्ण का अलग काम है। औरतों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों ने यह भी कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण हैं तो वो ब्राह्मण ही होगा और उसकी आने वाली पीढ़ी भी ब्राह्मण की ही मानी जाएगी। बाद में इन्हीं ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को अस्पृश्य करार दिया। हजारों साल पहले लिखी वेद की ऋचाओं को ठीक ठीक समझ पाना संस्कृत के प्रकांड विद्वानों के लिए भी सहज नहीं होता है, पर जिन वामपंथी इतिहासकारों का संस्कृत और भारतीय संस्कृति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने जहरवादी विचारधारा के बीज को पल्लवित पुष्पित करने के लिए वेदों का जमकर हवाला दिया। पहले वेदों का अनुवाद अपने विचारधाराई चश्मे से किया, फिर उसमें झूठ का तड़का डाला और फिर बच्चों के सामने उसे परोस दिया। एनसीईआरटी की छठी क्लास की किताब हमारे अतीत पार्ट 1 में चीनी यात्री फाहियान का हवाला देकर जो बातें लिखी गई हैं, उससे इतिहास लेखन के तमाम मानदंडों की एक तरह से हत्या हो गई। हमारे अतीत पार्ट 1 के पेज नंबर 119 पर लिखा है, चीनी यात्री फाहियान ने उन लोगों की दुर्दशा को महसूस किया जिन्हें उच्च जाति वाले शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। अछूत लोग शहर के बाहरी हिस्से में रहने के लिए अभिशप्त थे। वो लिखता है कि अगर कोई व्यक्ति नगर में दाखिल होता था तो लोगों से खुद को दूर रखने के लिए लकड़ी का बना ढोल बजाता था। इस आवाज को सुनकर नगरवासी समझ जाते थे और उनके संपर्क में आने से खुद को बचाते थे। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारत के प्राचीन ग्रंथों की मनमानी व्याख्या करके यहाँ के लोगों में जात वर्ण ऊंच नीच का विष वपन किया। यह प्रयास उनका सम्यक रूप से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद संगठित रूप से शुरू हुआ और इसके पीछे एक कारण मेरी समझ में आता है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के जनक राजमंगल पांडे थे और अंग्रेजों ने कलकत्ता में यह महसूस किया कि सुबह की परेड के बाद अन्य जातियों के लोग बड़े आदर के साथ ब्राह्मण सिपाहियों का पैर छूते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे, तो इसलिए अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही विस्वमन अपने लेखों में करना शुरू किया। सवाल यह है कि कोई इतिहासकार किसी प्राचीन यात्री के नाम का हवाला देकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? इसका जवाब यही है कि मार्क्स, माओ, लेनिन, स्टालिन के मानस पुत्रों के लिए कुछ भी वर्जित नहीं है। अब जरा ये देखते हैं कि फाहियान का हवाला देकर एनसीईआरटी के विचारधारा इतिहासकारों ने जो विश्व परोसा है उसकी हकीकत क्या है। दुनिया के रिनाउंड पब्लिशर माने जाने वाले कॉलोनियल प्रेस की ओर से साल 1900 में चीनी यात्री फाहियान पर एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसके राइटर हैं एपिफेनियस विल्सन। इस किताब में फाहियान के हवाले से हिंदुस्तान के तब के हालात के बारे में क्या लिखा गया है उसे देखिए। जहाँ बहुतायत में लोग रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, पूरे देश में लोग जीवों की हत्या नहीं करते और ना ही शराब पीते हैं, यहाँ तक कि प्याज लहसुन तक नहीं खाते। एकमात्र अपवाद जो है वो चांडाल हैं। चांडाल नाम जीव की हत्या करने वालों को दिया गया है जो दूसरों से अलग रहते हैं। तो एनसीईआरटी और एपिफेनियस विल्सन के किताब के बुनियादी फर्क को आप समझ गए होंगे। फाहियान ने कहीं नहीं लिखा कि छुआछूत की भावना थी और शूद्रों को नगर से बाहर रखा जाता था। उसने चांडाल शब्द का इस्तेमाल किया और उसे व्याख्यायित भी किया।
अब असली खेल समझिए। फाहियान जब हिंदुस्तान आया उस समय यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था और लोग खुश थे और जीवों के प्रति भी दया और करुणा का भाव रखते थे। लिहाजा जो गिने चुने लोग जीव हत्या करते थे उनसे दूरी बनाकर रखते थे। इसमें कहीं भी जाति या वर्ग व्यवस्था की बात नहीं है, पर NCERT की छठी क्लास की किताब के स्वनाम धन्य लेखकों ने इतनी बड़ी बात छुपा ली। देखिए, जैसे ही हमारे देश में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसके मन में एक छवि बनाई जाती है कि जो हमारी पुरातन संस्कृति थी उस समाज में लोग जो हैं आपस में बंटे हुए थे जाति के आधार पर, कि यहाँ जातिवाद फैला हुआ था, छुआछात था और जो निम्न जातियाँ थी, जो सो कॉल्ड निम्न जातियाँ थी, उनका शोषण किया जाता था सवर्णों के द्वारा। लेकिन ये जो मैनिपुलेशन आप देखते हैं NCERT की किताबों में, ये आपको स्पष्ट कर देता है कि हालांकि ये जो लोग NCERT में बैठे हैं उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से इस नैरेटिव को एक तथ्यात्मक आधार दिया जा सके, पर इतना बड़ा इतिहास होते हुए इतने यात्रियों के यहाँ पर उनके जो मेमोयर्स हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से कहीं भी आपको कोई हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते कि छुआछात या इस तरह का कोई आपस में मनमुटाव या भेदभाव हुआ करता था। ये केवल इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर करके घड़ के एक नैरेटिव तैयार किया है ताकि किसी भी तरह से समाज में दो वर्गों को आपस में लड़ाया जा सके और अशांति पैदा की जा सके। एपिफेनियस विल्सन अपनी किताब में फाहियान के हवाले से आगे क्या लिखते हैं उस पर भी गौर फरमाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे NCERT के इतिहास लेखकों का वो झूठ भी पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा जिसके जरिए उन्होंने बच्चों के मन में सबसे ज्यादा विष भरा है। एपिफेनियस विल्सन फाहियान को कोट करते हुए लिखते हैं, चांडाल जब नगर में प्रवेश द्वार या बाजार हाट का रुख करते थे तो लकड़ी का बना ढोल बजाते थे ताकि नगरवासियों को पता लग जाए और वे उनसे परहेज कर सकें और उनके संपर्क में आने से बच सके। इस देश में लोग सुअर या मुर्गा नहीं पालते थे, न ही मांसाहार के मकसद से पशुओं की खरीद बिक्री करते थे, बाजार में कसाई खाना नहीं होता था, न ही शराब की कोई दुकान होती थी। साफ है कि उस जमाने में हिंदुस्तान के लोगों में इंसान तो इंसान, जीवों के प्रति भी जो दया और करुणा का भाव था वही हमारे वामपंथी इतिहासकारों को खल रहा है और इसी वजह से वो इतिहास को विकृत कर रहे हैं। जीव मात्र के प्रति ऐसी संवेदनशीलता भी वेद पुराण उपनिषद के संदेशों की वजह से ही थी, लेकिन हमारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने तो अपनी सुविधा के मुताबिक ही इन महान ग्रंथों पर भी कालिख पोतने का काम किया। रही बात वेदों के हवाले से समाज को चार वर्णों में बांटने की, तो इन वामपंथी इतिहासकारों ने उन ऋचाओं को बगैर जाने समझे ही सिर्फ समाज को भड़काने के लिए उसका अर्थ निकाल दिया, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में शुरू से आखिर तक इंसान तो इंसान, जीव जंतु को भी ईश्वर का अंश बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही रामचरितमानस की रचना की। इस ग्रंथ की रचना के स्रोतों का हवाला देते हुए उन्होंने मंगलाचरण के 7वें श्लोक में क्या लिखा है उसे देखिए, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातुनोति। रामचरितमानस के मंगलाचरण के 7वें श्लोक का अर्थ अद्भुत है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, चारों वेद अनेक पुराण और शास्त्रों से सम्मत मूल कथा को रामायण से लेते हुए और कुछ दूसरे स्रोतों से भी उपलब्ध रघुनाथ जी की कथा को मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में लिख रहा हूँ। मतलब ये कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना वेद पुराण रामायण और कुछ और स्रोतों में वर्णित जानकारी के आधार पर की है, यानी इसमें लिखी बातों को वेद पुराण सम्मत माना जाना चाहिए। रामचरितमानस की कथा के महानायक भगवान राम हैं, लिहाजा कथा प्रसंग में भगवान राम के मुख से जो कहलाया गया है उसे वेद सम्मत माना जाना चाहिए। रामचरितमानस में ईश्वर के अवतार भगवान राम कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। रामचरितमानस में लिखी इस चौपाई का अर्थ जानकर आपको ये लग जाएगा कि भारतीय ग्रंथों में कैसे हर जीवधारी को भगवान का ही अंश माना गया है। इस चौपाई का अर्थ भी जान लेते हैं,
इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि इन सब को मैंने ही बनाया है। हालांकि इन सब में मनुष्य मुझे सबसे अधिक भाता है। इसमें भगवान राम कहीं किसी जाति पंथ या संप्रदाय की बात नहीं कहते हैं। इसी प्रसंग में भगवान राम जात पात के माया जाल को पूरी तरह से निरस्त भी कर देते हैं। वो कहते हैं, भगति वंत अति निचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। इसका अर्थ जानकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इन ग्रंथों के हवाले से आखिर जाति और ऊंच नीच का अर्थ कैसे कर दिया गया है। इस चौपाई में भगवान राम कहते हैं, अति नीच जीव भी अगर भक्ति का वरण कर लेता है तो वो मुझे प्राण की तरह प्रिय लगने लगता है, और ये मेरा बयान है। कमाल देखिए, यहाँ भगवान राम प्राणी की बात कहते हैं, यानी हर जीवधारी की, और साफ कहते हैं कि ये मेरा खुद का बयान है। अब सनातन धर्म के आराध्य राम ये संदेश देते हैं तो फिर ब्राह्मण और शूद्र का बंटवारा आखिर किसने किया? रामायण और महाभारत दोनों अपने आप में इतनी सारी कथानक बताती हैं, इतनी सारी कथाएं बताती हैं जिनमें आपको दिखाई देता है कि ये जो समाज है, जो सनातन समाज है, वो शुरू से ही समरसता के पक्ष में रहा है। अब आप अगर दोनों के रचयिता देखें, रामायण के और महाभारत के, रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं। हम उन्हें महर्षि इसलिए कहता है हमारा समाज कि वो उनकी मेरिट के जो उन्होंने कृति किया वो इतनी अनुपम है, उसकी प्रशंसा करता है। ऐसे ही जब आप वेद व्यास की बात करते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, जिन्होंने भागवत पुराण लिखा है, तो उनका भी सम्मान इसलिए है कि उन्होंने एक अनुपम ग्रंथ लिखा है, एक ने कई अनुपम ग्रंथ लिखे हैं। तो कोई भी समाज जो शूद्रों का इस तरह से बहिष्कार करता, उनके साथ भेदभाव करता, वो कभी भी क्या वेद व्यास जी को, जिनका जन्म एक मछुआरी के गर्भ से हुआ है, क्या उन्हें एक्सेप्ट कर सकता था? तो ये सारे, ये दोनों ग्रंथों के जो रचनाकार हैं, उन्हीं से आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह का सर्वसमावेशी समाज होता है, होता रहा है हमारे देश का। साफ है कि इस देश के सनातन ग्रंथों की व्याख्या विचारधारा इतिहासकारों ने अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काफी गलत तरीके से की है। आम इंसान जो सीधा इन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाता, वो इन व्याख्याओं को ही सही मानकर जात पात और ऊंच नीच की हीन भावना का शिकार हो जाता है, और यहीं से पैदा होने लगती है एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना। ऐसे में ये मानना होगा कि इन वामपंथी इतिहासकारों ने देश का, समाज का काफी बेड़ा गर्क किया है। जरूरत अब इस बात की है कि इन ग्रंथों का सही अर्थ समझा जाए, ताकि सांस्कृतिक एकता की बुनियाद दोबारा से मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वंदे मातरम की इस खास पेशकश में आज इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक, और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।